Hello everyone. Today we'll be discussing Unit 3, Session 1, the kinds of merchandise. So I'll be referring to your textbook and we'll be discussing about various aspects of merchandise. So every retail organization will have a merchandise reporting hierarchy. So hamare jo bhi retail organization hai, unke paas merchandise, जैसे हमने पिछले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि प्लानिंग एंड कंट्रोल ये सब इनको काम करना पड़ता है. तो यहाँ पे कस्टमर्स के लिए उनको क्या लेना है, कैसे करना है, और आपके अलग अलग लेवल्स पे कैटेगराइजिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की जाती है फॉर इफेक्टिव स्टोर डिस्प्ले ऑफ मर्चेंडाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ सेल्स डेटा. तो एक जो कस्टमर है वो अपने सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के तरीके से ढूंढेगा. तो अ टिपिकल कस्टमर विल लोकेट द टाइप ऑफ रिटेलर दे विश टू शॉप एट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जैसे मैंने कहा कि अपने सामाजिक, अपने जो इनका रवैया है, जो भी इनका इनकी आर्थिक स्थिति है, ये सारे देख के ये लोग अपने रिटेलर्स को ढूंढते हैं. तो आइए अब हम देख लेते हैं कि काइंड ऑफ मर्चेंडाइज कौन कौन से हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज व्हिच कैन बी परचेज बाय द अल्टीमेट यूजर्स फॉर देयर डेली नीड्स. तो हमारे जो मर्चेंडाइज होते हैं वो अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग मर्चेंडाइज रहते हैं, पर हम इन्हें दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो वो हो गए हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स. तो आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है हमारे, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर गुड्स. इसके अलग क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है हमारा स्टेपल. स्टेपल वो है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, इट इज यूज फॉर डेली नीड्स. जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये चीजें हमारे स्टेपल प्रोडक्ट्स हैं. तो आपको अगर चाहिए आपके रोजमर्रा फॉर योर डेली लिविंग, आपको क्या चाहिए, वो सब चीजें हैं हमारे स्टेपल प्रोडक्ट्स. तो जैसे कि हो गया ब्रेड, मिल्क, ग्रोसरी, आपके आटा, दाल, चावल, ये सारे आपके स्टेपल प्रोडक्ट्स हो गए. नेक्स्ट कंज्यूमर गुड हम देख रहे हैं इम्पल्स प्रोडक्ट्स. आपको याद होगा हमने ये पहले भी किया है. इम्पल्स प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आपको आते जाते आपको अगर दुकान में दिख जाए तो आप खरीद लेते हैं, ये बिना प्लानिंग के आप खरीदते हैं. इट इज फॉर इंस्टेंट परचेजिंग, उस टाइम मन आया आपने खरीद लिया. जैसे कि आपके हो गए चॉकलेट्स, चिप्स, कोई भी च्युइंगम, कैंडीज, ये सारे आपके इम्पल्स प्रोडक्ट्स होते हैं. ये जरूरी नहीं है जीने के लिए, पर आपको मन आया तो आपने ले लिया. अगला कंज्यूमर प्रोडक्ट का हमारा क्लासिफिकेशन है इमरजेंसी. ये इमरजेंसी है, जैसे जरूरत पड़ी, आपको सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो दवाई चाहिए, लाइट चली गई तो टॉर्च चाहिए, कैंडल्स चाहिए, बारिश आ गई तो छतरी चाहिए. तो ऐसे जो इमरजेंसी परचेजेस आप करते हैं वो हमारे इमरजेंसी प्रोडक्ट्स होते हैं. ये अभी भी हम कंज्यूमर गुड्स ही देख रहे हैं. नेक्स्ट हमारा है कन्वीनियंट. कन्वीनियंट गुड्स जो रहते हैं वो कन्वीनियंटली परचेज होते हैं. तो इसके जो प्राइजेस के उतार चढ़ाव में लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो ज्यादा इतने अपने ब्रांड के लिए इतने लॉयल भी नहीं होते. तो जैसे अगर इधर सब्जी उसकी जो रेड़ी वाले से अगर आप ले रहे हैं वो ज्यादा कॉस्टली हो गया तो आप दूसरे रेड़ी से ले लेंगे. तो ऐसे लॉयल्टी कम रहती है, और जहाँ कन्वीनियंटली मिल गया वो ले लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल्स हो गए आपके सब्जी हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, आपके टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब आप कन्वीनियंटली परचेज कर सकते हैं, ये सब रिटेलर के पास मिलते हैं. तो नेक्स्ट आपका लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपके कॉस्टली प्रोडक्ट्स हो गए हैं, जिसमें ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं. ये आपके कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स के कॉन्ट्रास्ट में जब जरूरत हो हम तब लेते हैं, या हमें अपने, जैसे हम अपना इमेज दिखाना चाहते हैं, हमें जरूरत है पर हम इसको सोच समझ के खरीदते हैं. जैसे कि हमारी ज्वेलरी हो गई, कार्स हो गए, ये सब हम आमतौर से खरीदने नहीं जाते, रोजमर्रा की खरीदारी में ये नहीं होती, हम बहुत सोच समझ के कभी कभार खरीदते हैं. ऐसे ही हमारे कम्फर्ट गुड हो गए. कम्फर्ट गुड्स जो है वो हम अपने आराम के लिए, कम्फर्ट के लिए हम लेते हैं. तो ये जो गुड्स हैं ये आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आप सोचते हैं कि आप सोफा लें,
आपको गर्मी लगती है, आप पंखे से भी काम चला सकते हैं, आप एसी भी ले सकते हैं। तो ये आपके परचेज के लिए होता है। तो उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल गुड्स। तो अभी तक हमने करे कंज्यूमर गुड्स, जो हमने डिस्कस किए स्टेपल गुड्स, कन्वीनियंट गुड्स, लग्जरी गुड्स, ये हमने अलग अलग तरह के गुड्स देखे। ऐसे ही हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स होता है। इंडस्ट्रियल गुड्स जो है हमारे, वो आपके इंडस्ट्री यूज करते हैं। तो अभी आप देखो, जैसे सब्जी में आप कहते हो टमाटर है, आप खरीद के घर में ला रहे हो, उसकी कुछ सब्जी बना रहे हो। वही टमाटर अगर कोई कंपनी खरीद के उसका टोमेटो सॉस बनाता है तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए। अगर आपने मैंगोज आपने खरीद के खाए, घर में लाके आपने मैंगोज खाए, मैंगोज को अगर कंपनी यूज करती है फ्रूट जूस बनाने के लिए, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे। तो ऐसे ही आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, कई चीजें हैं जो कंज्यूमर भी खरीदते हैं और इंडस्ट्रीज भी खरीदते हैं। कई चीजें जैसे कार की इंडस्ट्री होगी, तो आप लोग तो टायर और इंजन नहीं खरीदेंगे, पर कार की इंडस्ट्री वो सब चीजें खरीदेगी ताकि कार एक सेटअप हो जाए, असेंबल हो जाए। तो इंडस्ट्री के लिए जो गुड्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स। अब हम बात करते हैं, हम जब गुड्स को सजाते हैं हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हमने जैसे हम किसी भी दुकान में जाते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं, तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे बने होते हैं। एंट्री पॉइंट पे आप देख लेते हैं आपको कौन सा डिपार्टमेंट जाना है। सो यू कैन बी गोइंग टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, मेन्स, वुमेन्स, जूनियर फैशन, फूड कोर्ट, ये कोई भी आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो जैसे आप डिपार्टमेंट स्टोर में गए और आपने चिल्ड्रंस क्लोथिंग के डिपार्टमेंट में आप चले गए, तो उसमें आप क्लास ऐसे देखते हैं कि स्पेसिफिक एरिया आपको कौन सा मर्चेंडाइज आपको चाहिए। आप देखेंगे आपको ब्लाउज चाहिए, शर्ट चाहिए बच्चों के लिए, या पैंट चाहिए, या ड्रेसेस चाहिए। तो जो भी आपको कपड़े चाहिए वो उसका क्लास हो गया। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर आपने क्लास देखा। सब क्लास उसमें वो हो गया कि लोअर लेवल वो क्या खरीदना चाह रहा है, तो वो उसके अलग अलग ब्रांड में देखेगा। जैसे आपने टी शर्ट डिसाइड करे, तो टी शर्ट आपने देखा कि आप स्पोर्ट्स के डिजाइनर टी शर्ट ले सकते हैं, ये जिसमें प्रिंट लगा हो, कोई एप्लीक वर्क बना हो, या फिर आप उसके लिए प्लेन टी शर्ट ले सकते हैं जिसमें कुछ प्रिंट नहीं है। तो आप ऐसे ही आपका सब क्लास हो गया। उसके बाद प्राइस आप देखेंगे, आपके बजट के हिसाब से होना चाहिए, तो आप प्राइस देखेंगे। उसके बाद आप स्टाइल देखेंगे, उस प्राइस के अंदर आपका कौन सा स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, और कलर और साइज उसके बाद आप देखेंगे। तो ये कस्टमर कैसे देखता है, वो किस तरह से वो चाहता है कि आपके किसी प्रोडक्ट का वर्गीकरण हो, सेग्रीगेशन हो, वो इससे पता लगता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं सिक्स टाइप्स ऑफ राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। अब ये क्या होता है, सिक्स टाइप्स ऑफ राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग, ये आप अपने कस्टमर को कैसे अपने दुकान में अट्रैक्ट करते हैं उसके बेसिस पे होता है। टाइप, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम और प्लेस। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। तो टाइप की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। सो द प्रोडक्ट रेंज मस्ट बी मर्चेंडाइज दैट द कस्टमर वांट्स। तो वो या तो ट्रेंड के हिसाब से होगा या ब्रांड के हिसाब से होगा। तो आप अभी सोचिए, आप जा रहे हैं ठंड के टाइम में, आप दुकान में जाते हैं और आप क्या चाहेंगे, वो कपड़े की दुकान में आप चाहेंगे कि ठंड के कपड़े रखे हों, लेटेस्ट लुक होना चाहिए। वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं, तो आप अगर टीवी देखने जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि जाने पहचाने ब्रांड हो उसके पास। तो जो भी टाइप आप देखते हैं, इट शुड बी फॉलोइंग द करंट ट्रेंड्स। सो वी एक्सपेक्ट टू गो इनटू एन अपैरल रिटेलर एंड सी द लेटेस्ट लुक फॉर विंटर। व्हेन वी आर शॉपिंग फॉर एन इलेक्ट्रिकल रिटेलर फॉर अ फ्लैट स्क्रीन टीवी, वी एक्सपेक्ट टू सी कॉमन पॉपुलर ब्रांड्स सच एज सैमसंग एंड सोनी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिटी पे। आपके स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि हमेशा एक कंसिस्टेंट क्वालिटी हो, आपकी दुकान का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा कि ये जो उसकी गुणवत्ता है वो सही तरीके से हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे प्राइस की। प्राइस जो है सही प्राइस पे होना चाहिए, आपका प्रॉफिट भी बनना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर्स आए और कहें तो बहुत महंगा खरीदे ही ना आपसे, और कंपटीशन भी यहाँ पे मीट होना चाहिए। सो द राइट प्राइस इज अ बैलेंस बिटवीन मेकिंग श्योर दैट इट इज हाई इनफ टू मेक अ प्रॉफिट येट लो इनफ टू मीट द कंपटीशन एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। तो आपको एक बीच का प्राइस ढूंढना पड़ेगा, जहाँ आप अपने
आसपास के जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी आप डील कर सके, कस्टमर्स को भी खुश रखे और प्रॉफिट भी बनाए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की। आपका क्वांटिटी हमेशा एक प्रॉफिटेबल बैलेंस होना है, आपने ज्यादा रखना है आपको फिर स्टॉक संभालने में दिक्कत होगी जैसे हमने नाइन्थ में पढ़ा, या अगर आपने कम रख दिया तो कस्टमर नाखुश होके चला जाएगा। सो रिटेलर इज ऑलवेज एमिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल बैलेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन स्टोर। सो दिस इज टू मेक श्योर दैट देयर इज ऑलवेज अवेलेबल स्टॉक फॉर द कस्टमर्स टू बाय, एंड द ऑपोजिट चैलेंज ऑफ ओवर स्टॉकिंग विच कैन समटाइम्स लीड टू डिस्काउंटिंग एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अब हमने देख लिया कि हमारे टाइप हम देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, प्राइस पे हम ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे देते हैं। आइए बाकी दो भी देख लेते हैं। टाइम, टाइम पे भी हमें बहुत ध्यान देना है कि सीजनल नेचर पे होता है मर्चेंडाइज, तो हमें उस तरीके से सामान भी स्टॉक करना। अगर कोई आपके पास ठंड में हीटर लेने आए तो आप एयर कंडीशनर उसको नहीं दे सकते। अगर ठंड में कोई आपसे कोई कॉफी जैसा ड्रिंक मांगने आए तो आप उसको थम्स अप जैसा या पेप्सी जैसा कोई ड्रिंक नहीं ऑफर करेंगे। सो लॉट ऑफ मर्चेंडाइज इज ऑफ सीजनल नेचर एंड मस्ट बी ऑन हैंड व्हेन मोस्ट नीडेड बाय द कस्टमर। सो थिंक अबाउट गोइंग इनटू एन इलेक्ट्रिकल रिटेलर ऑन अ हॉट समर डे टू परचेज एन एयर कंडीशनर ओनली टू डिस्कवर दे आर आउट ऑफ स्टॉक बट कैन ऑफर यू मेनी डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ हीटर्स। तो गर्मी में आप हीटर नहीं लेंगे, ठंड में आप एयर कंडीशनर नहीं लेंगे, तो रिटेलर को भी सही सामान रखना पड़ेगा सही टाइम पे। और प्लेस, प्लेस है कि आपको जहाँ पे किताब आपकी होनी चाहिए आपको पढ़ने के टाइम पे, अगर वहां नहीं रखी होगी तो आप ढूंढते रह जाएंगे। वैसे ही आपका प्रोडक्ट का लोकेशन भी बिल्कुल ही सही जगह पे होना चाहिए। आपका जो रहता है किताब, आपने अपने बुकशेल्फ में नहीं रखा, आपने सही टेबल पे नहीं रखा तो आप ढूंढते रह जाएंगे। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका कस्टमर आपके दुकान में ना आए, कहीं और जाए। तो लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस सिंस इट डिसाइड्स द एक्सेसिबिलिटी टू द कस्टमर। तो अगर आप कहीं सेल का निशान देखते हैं दुकान के बाहर तो आप चाहते हैं कि वो सामने ही हो कहीं सेल के बारे में, और अगर कुछ न्यू रेंज हो तो आप चाहेंगे कि मैनिक्विन भी हो, उसके एक्सेसरीज भी पास में है। तो द सिक्स राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग इंश्योर्स प्रोडक्ट्स आर डिस्प्ले करेक्टली एंड फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। तो सही तरीके से आपका जो भी मर्चेंडाइज है, प्रोडक्ट्स है, वो डिस्प्ले भी होगा और कस्टमर पे ज्यादा से ज्यादा असर हो ताकि वो उसको खरीद के जाए। तो आइए अब हम देखते हैं द स्टेप्स टू डिटरमिन राइट असॉर्टमेंट ऑफ मर्चेंडाइज। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, आप पहले अपने मार्केट को समझेंगे, आप किसको बेचना चाह रहे हैं सामान, पहले उनको आप समझेंगे तभी तो आप अपना सामान खरीद पाएंगे। अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स को स्टेशनरी बेचना चाहती हूँ तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो किस तरह का सामान यूज करना पसंद करें, क्या वो पेन यूज करते हैं, क्या उनको पेंसिल की जरूरत है, क्या उनको इरेजर की जरूरत है, या उनको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत है। तो ये हमें देखना पड़ेगा टारगेट मार्केट। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा हम पता करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए, हम डेटा एनालाइज करेंगे एंड वी विल डिटरमिन द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ मर्चेंडाइजिंग ऑप्शंस। अब ब्रेथ एंड डेप्थ क्या होता है जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया मेन्स वेयर का, मेन्स वेयर हमारा डिपार्टमेंट हो गया, उसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, शर्ट्स हो सकते हैं, ट्राउजर्स हो सकते हैं, एक्सेसरीज हो सकते हैं, जैसे बेल्ट हो गए, सॉक्स हो गए, टाई हो गई। तो ये मेन्स वेयर के डिपार्टमेंट में ये हमारा प्रोडक्ट लाइन हो गया। प्रोडक्ट लाइन में हमारे ब्रांड्स क्या हुए, वो ब्रेथ हो गया। तो हम शर्ट्स के लिए जोडियक, वैन ह्यूस्टन, लुई फिलिप, एरो ये सब रख सकते हैं। और इस ब्रांड के जो हमारी ब्रेथ हो गई उसमें डेप्थ क्या होगा, हम अलग अलग स्टाइल्स रख सकते हैं, अलग अलग कलर्स रख सकते हैं, अलग अलग साइजेस रख सकते हैं। तो अगर मैं जोडिया की शर्ट लूँ तो जोडिया के शर्ट की स्टाइल एक होगी फॉर्मल वेयर के लिए, उसके कलर्स अलग अलग होंगे जैसे ब्लू हो गया, वाइट हो गया, और साइजेस उसके होंगे 40 साइज, 42 साइज, 44 साइज, तो वो उसका डेप्थ हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो गया, उसमें आपका प्रोडक्ट लाइन हो गए अलग अलग आपके मोबाइल्स, आपके अलग अलग मोबाइल्स हो गए अलग अलग प्राइस रेंजेस के हिसाब से, अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से।
तो अगर आपने डिसाइड किया कि आपने ये आपका नोकिया का फोन लेना है या मोटोरोला का फोन लेना है, तो उसमें भी अलग अलग आपको ब्रांड्स मिलेंगे, उस ब्रांड सॉरी मॉडल्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपका डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट लाइन में ब्रेथ होगा। ब्रेथ हो गया इस एग्जाम्पल में आपके अलग अलग ब्रांड्स, और एक एक ब्रांड में अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग मॉडल्स। ठीक है, तो ऐसे ही डेप्थ एंड ब्रेथ हो गया हमारे मर्चेंडाइज का। अब हम बात कर रहे हैं मर्चेंडाइजिंग टिप्स की, एक रिटेलर को क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले द मर्चेंडाइजर मस्ट सोर्स प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड सीजन। तो मौसम के हिसाब से जो आजकल मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से उसको अपना सामान स्टॉक करना। जैसे अभी हमने बात करी थी कि गर्मी के टाइम में गर्मी के कपड़े, ठंड के टाइम में ठंड के कपड़े, अगर लोग ज्यादा कोट खरीद रहे हैं तो कोट होने चाहिए, अगर लोग ज्यादा वुलन स्वेटर खरीद रहे हैं तो उस हिसाब से होना चाहिए सामान। दूसरा एज, बच्चों के एज, बड़ों के एज, उस हिसाब से कपड़े होने चाहिए। जेंडर, जो आपका सेक्स हम कह रहे हैं कि लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, उसके हिसाब से। और टेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट। तो कितनी बारी होता है कि आपको अगर लेटेस्ट नहीं मिला, या आपका जैसे कई एरियाज में होंगे कि उनकी फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए उनको, कई स्लीव्स होंगे कि उनको हाफ शर्ट चाहिए हाफ स्लीव्स वाली, तो ऐसे अलग अलग टेस्ट हो सकता है टारगेट मार्केट का। और फिर हम देखते हैं कि जो बच्चों का मर्चेंडाइज है, इट हैज टू बी इन लाइन विद कार्टून कैरेक्टर्स, जैसे बारबी हो गया, पोकेमॉन हो गया, ये सब आपके टी शर्ट्स में, आपके मर्चेंडाइज में होगा तो बच्चे और आकर्षित होंगे। तो ये हो गए हमारे मर्चेंडाइजिंग टिप्स। और हमें सबसे पहले अपने मर्चेंडाइज हमें डिसाइड करना है, हमें अपना टारगेट मार्केट देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारा दुकान किस तरीके का होगा। डिस्काउंट स्टोर भी हो सकता है, स्पेशलिटी स्टोर भी हो सकता है, डिपार्टमेंट स्टोर भी हो सकता है। तो हमें अपने मर्चेंडाइज के हिसाब से अपना रिटेलर आउटलेट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है हमारा सेशन वन ऑफ यूनिट थ्री। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड जो हमारे टॉपिक्स थे इस वाले सेशन में, और आप इन्हें अच्छे से समझ पाए होंगे। इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, और कुछ भी अगर समझ नहीं आए तो जरूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have a lovely day.